ठीक है, तो आपकी जुबान पे पहला लफ्ज क्या आता है? चूतिया। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तानी आखिर इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं, आप भी साथ बैठकर देखिए, और कुछ भी आपको अगर कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो ये फोन लगा लेते हैं। ये है वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। जब आप लफ्ज इंडिया सुनती हैं तो आपके माइंड में पहला लफ्ज क्या आता है? व्हाट पाकिस्तानी थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया इज़ आवर नेबरिंग कंट्री एंड लोग जिस तरह बोलते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग देखें जो हमारा नेशन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं सोचता इंडिया के बारे में, और मतलब वी कैन हैव गुड रिलेशन विद इंडिया। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। इंडिया का वर्ड सुनते हो, ठीक है, तो आपकी जुबान पे पहला लफ्ज क्या आता है? चूतिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। जब आप लफ्ज इंडिया आपको सुनने का मौका मिल जाए तो आपके माइंड में पहला लफ्ज क्या आता है उसके लिए? पहला लफ्ज आता है कि हमें दोस्ती यानी फ्रेंड की एक तरह ना, यानी दुश्मनी जो हमारे बीच में इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करना चाहिए हमें। हम वी आर नेबर। तो ओके ओके। और अगर आपको चांस मिले वहाँ जाने का तो आप जाना पसंद करें? ज़रूर। वेलकम। वहाँ की कोई सेलिब्रिटी या कुछ पसंद हो? सेलिब्रिटी शाहरुख खान। इंडिया बड़ा यक है यार, पाकिस्तान को सुना जाना। आजकल की हमारी जो आर्मी है बड़ी टाइट हुई है, इंडिया को हमने डंडा दे के रखा हुआ है मैच में भी और हर जगह में भी। दोस्त जब आप लफ्ज इंडिया सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया। खाली यार दुश्मन तो नहीं है वहाँ पे यार, जो हमारे कश्मीर में हो रहा है जिस तरह उनकी आर्मी वालों हमारे कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं वो बिल्कुल नाजायज़ है ना। हम मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उन पर बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। हमारा कश्मीर हो गया भाई, ये सरासर नाइंसाफी है यार, और सबसे बड़ा उनका ये जो है जुल्म है। थैंक यू। जब आप इंडिया का वर्ड सुनते हैं आपकी जुबान पे पहला लफ्ज क्या आता है? कुत्ता। कुत्ता? यस। और अगर आप इंडिया जाने का भाई घर से ले जाओ? नो, कभी भी नहीं। नो। और इंडिया में कुछ पसंद हो आपको? इंडिया में कुछ भी पसंद नहीं। कुछ भी पसंद नहीं है। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है हमारा, तो हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। मैम जब आप लफ्ज इंडिया सुनती हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? मुझे तो इंडिया बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब एक कह सकते हैं लव आता है मेरे दिमाग में, क्योंकि इंडिया की हम लोग मूवीज़ भी देखते हैं, बॉलीवुड भी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पसंद करते हैं, और वैसे भी कश्मीरियों को तो कहते हैं कि अच्छा लगता है इंडिया। अच्छा, और अगर आपको जाना वहाँ चांस मिले एक दफ़ा जाने का तो आप जाना पसंद करेंगे? मैं जरूर जाऊँगी, जरूर जाऊँगी। और वहाँ की कोई सेलिब्रिटी या कुछ आपको पसंद? सेलिब्रिटीज़ पसंद हैं, मतलब क्रिकेटर्स भी पसंद हैं और एक्टर्स भी पसंद हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इंडिया का वर्ड सुनते हो, आपकी जुबान पे पहला लफ्ज क्या आता है? यही कुत्ते, हरामी, कंजर, इस तरह का वर्ड आता है, नॉन मुस्लिम और इस तरह का कुछ आता है। और इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? मौका मिले तो मैं दीपिका से ऐसे मिलूंगा ना यार, सोचता यार तुम्हारी बहुत पसंद करता हूँ, एक बार जाना चाहिए और ताजमहल को देखना चाहता हूँ यार। ये इंडिया वाले लोग करते हैं और इस तरह को यार, वो जो बुद्ध मत टाइप में तो इस तरह के इसलिए मुझे लाइक नहीं करते। ठीक है, और अब इंडिया जाओगे तो सिर्फ दीपिका के लिए? दीपिका के लिए जाऊंगा यार, आई लव हर यार। चले भाई, अल्लाह करे आपको मिल जाए। जब लफ्ज इंडिया सुनते हैं तो आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? आमिर खान। आमिर खान वो पसंद है आपको? वो पसंद। और इंडिया से मतलब वहाँ के लोग दूसरे? वहाँ के लोग अच्छे हैं लेकिन गवर्नमेंट उनकी सही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। अच्छा। लोग तो अच्छे हैं आपस में, पाकिस्तान के भी और इंडिया के। और अगर आपको चांस मिले वहाँ जाने का तो आप जाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। इंडिया का वर्ड सुनते हो तो आपकी जुबान पे पहला लफ्ज क्या आता है? द वर्ड इज दे आर वेल एजुकेटेड, दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। ओके, मतलब इंग्लिश बोलने में अच्छे है। अच्छा, इंग्लिश बोलने में अच्छे? हाँ, बहुत अच्छे। ओके, और अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले आप जाओगे? जरूर जरूर, व्हाई नॉट, आई मस्ट गो देयर। ओके, और इंडिया में पसंद हो आपका? इंडिया में पसंद है यार टू मीट विद मतलब एक्टर्स ऑफ इंडिया। कोई फेवरेट हो आपकी उनमें से? यस, शाहरुख खान। शाहरुख खान? यस भाई। वालेकुम सलाम भाई। जब आप इंडिया का वर्ड सुनते हो, ठीक है, तो आपकी जुबान पे पहला लफ्ज़ क्या आता है? हाँ, इंडिया का लफ्ज़ सुनते ही मेरे जो जहन में प्यारा ख्याल आता है वो टेररिज्म, टेररिस्ट कंट्री के तौर पे आता है। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से इंडिया इज अ टेररिस्ट कंट्री? डेफिनेटली इंडिया इज अ टेररिस्ट कंट्री। भाई चश्मा उतार के देख। इंडिया का वर्ड सुनते हो तो आपकी जुबान पे पहला लफ्ज़ क्या आता है? वो हमारे दुश्मन है और कुछ भी नहीं। दुश्मन है आपके? जी। अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले आप जाओगे? नहीं, मैं कभी नहीं जाऊँगा। और इंडिया में कुछ पसंद हो आपको? नहीं, कुछ नहीं पसंद, क्योंकि वो कश्मीर वाले से अच्छा नहीं करते इसलिए हमें नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। इंडिया वाले तो बिल्कुल नहीं पसंद। थैंक यू।
थैंक यू जी। और यार अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि इंडिया तुझे कैसा लगता है, तो भाई मैं कहूँगा कि मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है। और अगर मुझे कभी किसी ने इनवाइट किया तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह इंडिया आना पसंद करूँगा और ज़रूर आऊँगा, क्योंकि वहाँ के भी लोग हमारी तरह हैं। यार अगर मैं सच और सीधी बात करूँ तो शुरू में मेरे ख्याल इंडिया के बारे में कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर जब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से मेरा कुछ लोगों से रब्ता हुआ, कुछ दोस्त बने, तब मुझे पता चला कि नहीं यार, वहाँ के भी जो लोग हैं उन्हें पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, पाकिस्तान को पसंद करते हैं और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। और बाकी लोग यार हमारी तरह ही हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब नफरतें फैला रहे हैं, जो मतलब दो मुल्कों के दरमियान में अमन नहीं चाहते। देखो बात सिर्फ ये है कि लोग आके जहन में जो चलता है उसको हम नहीं सोच सकते, है ना? सही बात। अब कोई कुछ सोच रहा है, यहाँ भी इंडिया में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें नहीं पसंद है पाकिस्तान, तो इसी तरीके से है। तो आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप बताइए आपको इंडिया की क्या खूबसूरतियाँ पसंद है, और अगर आप इंडिया से हैं तो आप बताइए पाकिस्तान के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं और किस तरीके से हमें इनसे मिलकर रहना चाहिए, तो आप हमें नीचे बता सकते हैं। आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।